सो हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज जबेर जाफरी और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जैसे कि लास्ट अपडेट में ऐश मुफारिसन ने जो जिक्र किया था वो इस बात का जिक्र किया था कि ओ प्ले, राइट, ओ प्ले को हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, कमिंग सून, राइट। तो इसमें कई लोगों को जो है लगा कि यार हम तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और आया, हम जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको बता दें, देखिए जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होती है उस पर हमेशा ध्यान दिया जाता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उसी पर ध्यान देती हैं और ऐश मुफारिसन जो है विजनरी व्यक्ति हैं और वो उसी चीज को सोच करके उन्होंने ओ प्ले को यहां पर जो है बताया और वहां जो बोला गया था ओ ब्रेकिंग न्यूज, राइट। तो ब्रेकिंग न्यूज वाकई में ब्रेकिंग थी अगर आप इस चीज को समझते हैं तो। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि देखिए कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है आपका ये जो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं उसका। इसीलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है देखिए जितनी भी कंपनियां होती है इस पे जो काम करती है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है क्योंकि उन्हें जहां से रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है, अगर यहां पर ऑन पैसे भी आती है और इस जो ओ प्ले को लाती है इससे अगर रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट तो हम सबको मिलेगा ही। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं जो मार्केट है उसका कितना बड़ा है। देखिए गेम्स जो खेले जाते हैं, आप जैसे कि आंकड़े वहां ऊपर देख रहे हैं कि जो आप गेमिंग कंसोल उसके अंदर पीसी है, उसके बाद में आप जैसे लाइनें देख रहे हैं उसमें तो देखिए किस तरह से जो है 2019 के बाद से जो है आंकड़ा किस तरह से? तो जैसे आप आंकड़ों में देख रहे हैं, ऊपर एक लाइन देख रहे हैं उसके अंदर आपको तीन लाइनें दिख रही हैं, तीन अलग अलग कलर की लाइनें हैं। ये जो गेम्स हैं कितना इसका मार्केट बड़ा है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे इसमें गेमिंग कौन सा, उसके बाद में पीसी और फिर उसके बाद में फिर आप जैसे देखेंगे कि स्मार्टफोन में किस तरह से गेम्स खेले जाते हैं और इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी वाले जो गेम होते हैं इसका मार्केट कितना बड़ा है आने वाले टाइम में। मतलब ये 2020 से 2027 तक का जो है आंकड़ा हम देख रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो है इनकी वैल्यूज और बढ़ी है, इन गेम्स की वैल्यू और बढ़ी है क्योंकि लोग इंटरनेट पे ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं। और इसका मार्केट आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें जो बताया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसमें जो है मार्केट साइज जो है 2022 में, जैसे कि 2019 से हम लेकर के चलते हैं, तो द ग्लोबल वर्चुअल रियलिटी इन गेमिंग मार्केट साइज वाज एक्सपेक्टेड एट $11.56 बिलियन इन 2019, राइट, एंड द एक्सपेक्टेड टू रीच $14.55 बिलियन इन 2020। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसका जो देखिए मार्केट कितना जबरदस्त है कि मार्केट साइज वैल्यू इन 2020 में 14.55, उसके बाद में अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू फोरकास्ट, मतलब ये जो आप देखेंगे आने वाले टाइम में 2027 में जो है ये बढ़ करके हो जाएगा $92.31 बिलियन, राइट, माफ कीजिएगा $92.31 बिलियन, राइट, $92। तो आप सोचिए जो अभी इसका मार्केट अभी 2027 तक कितना बड़ा और कितने बड़े लेवल पर ये होने जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री में जो भी गेमिंग चैनल होंगे या जो भी गेमिंग वाले जो वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहे होंगे वो कितना यहां पर जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आप यहां पे सोचिए अभी मार्केट इतना बड़ा है और इसका देखेंगे जो ग्रोथ रेट है, इसका ग्रोथ रेट है कार जो आप देखेंगे कि 30.2% फ्रॉम 2022 to 2027। मतलब ये मार्केट किस कदर बड़ा है इसी आंकड़े से हमको लगता है। तो आप सोचिए कि जब ये चीजें हमारे ऑन पैसिव में भी आएंगी तो हमारा जो मार्केट है कितना बढ़ने वाला है। और आपको इसमें प्लस पॉइंट क्या रहेगा ओ प्ले में, तो ये फाउंडर्स के लिए तो होगा क्योंकि हम अर्लीस्ट कस्टमर हैं, तो इसमें जो है आप जब भी गेम खेलेंगे तो आपके यहां पर पॉइंट्स जनरेट होंगे, राइट। पॉइंट्स अगर आपके जनरेट होंगे तो वो डेफिनेटली वो रेवेन्यू आपका बन जाएगा, मतलब उससे आप अर्न भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अर्न करेंगे, राइट। तो यहां पर बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री है जो कि आप गेम तो खेलते हैं लेकिन आप उससे पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन ओ प्ले में आने के बाद में आप गेम भी खेलेंगे और इसके अंदर पैसा भी बनाने वाले हैं। तो कई लोगों का ये सवाल था कि कहीं इसमें जैसे जैसे ड्रीम इलेवन या कोई दूसरी जो कंपनियां चल रही हैं इस टाइप की कंपनियों की तरह तो नहीं होगा इसके अंदर की पैसा डाल। देखिए ये क्लियर बोलूं कि इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो पूरी तरह से जो आपको गेम खिलाती हैं और कुल मिला के वो ऑनलाइन जो जुआ भी बोल सकते हैं उनको, राइट। लेकिन इस बात का जिक्र ऐश मुफारिस साहब ने क्लियरली कर दिया था कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ गैम्बलिंग या कोई जुआ वगैरह नहीं है, ये एक बिल्कुल रियलिटी के साथ में सारी चीजें यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे सब कुछ रियल होने वाला है ऑन पैसिव में। तो हम उनसे इस चीज को कंपेयर बिल्कुल ना करें, ये अलग ही लेवल पे और अलग ही टाइप से काम करने वाला है। अगर आप पूछेंगे किस टाइप से काम करने वाला है तो आने दीजिए भाई, अपडेट
अपडेट्स आने दीजिए, सारी चीजें जो आने वाले टाइम में जो है सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसमें कैसे क्या आता है इसमें डैशबोर्ड। फ्यूचर में कई लोग जाके अभी चेक भी करने लग गए कि अरे अभी तक तो ओपले आए नहीं है, भाई कमिंग सून है, आने वाला है, राइट। जब भी आता है तो इस चीज को एंजॉय कीजिएगा। और इसका मार्केट बहुत बड़ा है, फिर से रिपीट करूंगा, मार्केट बहुत बड़ा है। आप अगर बोलेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डिमांड है गेमिंग का, और गेमिंग चैनल्स आप देखेंगे जो यूट्यूब पे जो गेमिंग चैनल है वो भी बड़े पॉपुलर है। आप देखेंगे वो भी जो है वर्चुअल गेम खेल खेल करके पैसा कमाते हैं। और आप सोचिए कि ऑन पैसिव में जब ये सारी चीजें आएंगी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आएंगी, तो आप लोग यहाँ पे कितना अर्न करने वाले। तो दोस्तों फ्यूचर को लेकर के चलिए, आप ये मत सोचिए ऐसा नहीं हो वैसा क्यों नहीं हो, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा। बेहतर यह है आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हमें आगे जाकर के अपने आप को कैसे आगे लाना है, और फ्यूचर में किस टाइप से टेक्नोलॉजी का हमको इस्तेमाल करना है, किस टाइप से इसको आगे ग्रोथ करना है। और इस टाइप की जो कंपनी आती है जैसे कि ऑन पैसिव है, ये फ्यूचर के लिए काम करती है, आगे नहीं बल्कि एक साल दो साल नहीं बल्कि आने वाले कई 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल का आगे का सोच करके चलती है। तो आप एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी में हो जो कि एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी काम करती है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। भाई अभी ऑन पैसिव शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो ऑन पैसिव की लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद बहुत बड़ी शुरुआत होगी।